बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा हेल्थ विद ब्यूटी। आज जो मैं आपको रेमेडी बताऊंगी, इस रेमेडी के इस्तेमाल से आप अपने पेट की एक्स्ट्रा चर्बी को अपने थाइस की एक्स्ट्रा चर्बी से किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप एक्स्ट्रा चर्बी से किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं, जिससे कि आप अपनी बॉडी को पहले जैसा दुबला पतला बना सकते हैं, ताकि आप एकदम फिट रह सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना ये होगा कि आज जो हम यूज करने वाले हैं इंग्रेडिएंट, वो कौन सा है ये बता दूं। तो सबसे पहले तो हम एक क्लीन बॉल लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे वैसलीन। दोस्तों टोटल आज हम तीन इंग्रेडिएंट यूज करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो हम यूज करने जा रहे हैं वैसलीन। जी हाँ दोस्तों, वैसलीन पेट्रोलियम जेली की तरह काम करती है, तो जिससे कि आप अपनी एक्स्ट्रा चर्बी को हटा सकते हैं। दोस्तों आपको इतनी सी क्वांटिटी में ये वैसलीन लेनी है, आधे से आधा चम्मच वैसलीन का, ये देख सकते हैं आप, बस इतनी एड करनी है वैसलीन। अब इसके बाद जो दूसरी चीज हमें लेनी है वो है दोस्तों विक्स वेपर अप। जी हाँ दोस्तों, अब हमने विक्स लेनी है। इसके अंदर मेंथोल होता है, साथ ही साथ इसके अंदर दो ऐसी चीजें होती हैं, यानी कि काफोर भी होता है, जो आपके पेट की चर्बी को हील करके उसको अंदर ही अंदर पिघला देता है। विक्स को भी हम इतनी ही क्वांटिटी में लेंगे जितनी हमने वैसलीन ली थी, यानी कि पेट्रोलियम जेली। इन दोनों चीजों के बाद अब हम इसके अंदर जो तीसरी चीज लेंगे दोस्तों, वो है विटामिन ई का कैप्सूल। अब हम इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करेंगे इस तरह से। अब दोस्तों करना ये कि हमें इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको इसे कम से कम 15 सेकंड तक अच्छे से हिलाना है, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। आपने इसे मॉर्निंग में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो आपने रोजाना सुबह उठकर कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट पैदल चलना है, यानी कि वॉक करनी है। इसके बाद एक गिलास नीम गर्म पानी लेकर इसको पीना है नाश्ता करने से पहले। इसके बाद जब भी आप रेस्ट करें, यानी 2 से 3 घंटे के लिए जब भी आप फ्री हो, उस वक्त में आपने इसे अपने हाथों से लेकर अपने पेट पर लगाना है, यानी कि स्टमक पर। आपने इसे अपने पेट पर अप्लाई करना है। आपकी बॉडी पर जहां भी एक्स्ट्रा चर्बी हो, आप इसे वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे लगाकर ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या अगर आप इसे कॉटन के कपड़े से भी ढक लें तो कोई मसला नहीं है। इससे आपका जल्द ही फैट बर्न होने लग जाएगा। आपको ऐसा हफ्ते में 3 से 4 बार करना है, ताकि आपका फैट जल्द से जल्द बर्न हो जाए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। चलें अब इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।